नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य है, पवित्र रहे, निर्मल रहे और आप दीर्घ जीवी रहे। आरोग्य भारत के तहत हमारा जो अभियान है लगभग 25 साल से चल रहा है, उसी अभियान के तहत हमने पूरे भारत को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाया है। जितना हो सकता है उतना स्वास्थ्य दिन भर हम देते हैं, विचारों से, कर्मों से, औषधियों से, आहार से, व्यवहार से। तो जिन लोगों का बहुत मोटापा है, भारत में कम से कम 25% लोग मोटे हैं और वो इतने मोटे हैं कि उनका जीवन व्यर्थ है। वो संसार नहीं कर सकते, ग्रस्त नहीं कर पाते, वो नहा नहीं पाते अच्छे से, बैठ नहीं पाते अच्छे, चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। उनकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर गंदा है, उनके पूरी बॉडी में गंदे गंदे दाग आ गए हैं, पूरे मसल्स घिस जाते हैं, उनके पूरा खराब हो जाता है, बुरे लगते हैं। इसलिए बंधु, आपका स्वास्थ्य परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में लिखा है कि हम सुख के भंडार हैं, तो हम अपने स्वरूप से भी हमें सुख मिलता है। जो आदमी सुंदर होता है, निरोगी होता है, तो वो बहुत इठलाता है अंदर से, क्योंकि वो स्वस्थ है। तो आप भी इठलाकर जिए और आप स्वस्थ जिए, प्रसन्न जिए, आनंद का जीवन जिए, हंसते मुस्कुराते हुए आप जीवन जिए। आपके अंदर सौंदर्य की अकड़ हो, उसके लिए आपको चाहिए कि आपका मोटापा ना बढ़े और आप बहुत दुबले पतले भी ना हो, आप सुडोल हो, स्वस्थ हो और आप सुंदर दिखने वाले शरीर हो। तो मोटापा कम करने के मैं आपको 5 आज टिप्स दे रहा हूं और 5 मैं प्रयोग बता रहा हूं। जिनको भी मोटापा है या जिनको मोटापा नहीं चाहिए, उनको 5 ये मेरी बातें माननी है। 5 बातों में से पहली बात यह है कि कभी भी खाके नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी भी गरिष्ठ भोजन करते हैं, गरिष्ठ का मतलब होता है तला हुआ भोजन करते हैं, तो पानी नहीं पीना चाहिए 1 घंटे तक। कभी भी दही और दूध का सामान एक साथ नहीं खाना चाहिए। चौथा यह है कि मैदा से बना हुआ सामान रोज यूज ना करें। और 5वीं टिप्स यह है कि पानी अधिक मात्रा में पिएं और भोजन कम मात्रा में करें और पेट रोज साफ होना चाहिए। ये 5 बातें। इन 5 बातों के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो मोटापा रोक सकते हैं और आपके मोटापे को खत्म कर सकते हैं। आपका मोटापा बढ़ा हुआ है तो इन 5 बातों का ध्यान रखिए और मोटापे को कम करने के लिए आप सुबह रोज मनुका लीजिए 10, 2 द्राक्ष लीजिए और खजूर लीजिए 2, और उनका सुबह सेवन कीजिए, ऊपर से पानी पीजिए, दोपहर को 1 सेब खाइए, थोड़ा अमृत अनाज खाइए, शाम को भोजन कीजिए। आपका धीरे धीरे मोटापा 3-4 महीने में नेचुरल कम हो जाएगा और आपके शरीर में, चमड़ी में, मांस में कहीं भी दरारें नहीं पड़ेंगी और आप एकदम धीरे धीरे दुबले पतले और एकदम स्वस्थ मस्त और सुंदर दिखने लगेंगे और आपका वजन कम होगा। और जिनका वजन बढ़ रहा है उनका वजन बढ़ने से रुक जाएगा, जिनका बढ़ा हुआ है उनका कम हो जाएगा। आहार से कम करो, दवा मत लीजिए, वजन कम करने की दवा के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप इस तरह का जीवन जिएंगे तो आप अपने आप ठीक होंगे। मोटापा कम करने की 5 मैंने जो बातें आपको बताई हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आप अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे मोटापे से। बहुत बहुत धन्यवाद।